कश्मीर में जाके पढ़े रहो, ये लोग जो मेडिटेशन चलता है वहां पे जाके पढ़े रहो, वे मैंने यही करना है। लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें करने के लिए भी जेब में माल चाहिए ना, जो अभी मेरे पास है नहीं है, मतलब उनका है सब कुछ। हाँ, क्योंकि मुझे तो जिंदगी की सच्चाई पता ही है यार, मुझे तो जिंदगी की सच्चाई पता ही है। अभी सूफी भैया तुम हो गए 40 के, 38 के हो तुम सूफी भैया। अरे मुझे मैं नहीं, अरे मुझे नहीं पता है 38 के हो या 40 के हो आप, मुझे नहीं 35 पता। 35 सूफी भैया आप हो गए 35 के, मैं हूँ 34 का। ठीक है, बेसिकली देखो अब जो जिंदगी है वो बहुत ही शॉर्ट हो चुकी है। आज से हजारों साल पहले लोग 200 300 300 साल जीते थे, ठीक है, उसके बाद वो कम हुआ, वो कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। अभी रिसेंटली हमारी एवरेज लाइफ है बिटवीन 60 to 65। अगर तुमने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं तो तुम 70 तक पहुंचोगे, ठीक है। तो अपना एवरेज ये पकड़ो 65, तो भाई जिंदगी के 35 तो निकल गए, बचे हैं 35, वो भी लकी हुए तो, वो भी लकी हुए तो 65 पर पहुंचेंगे। यू नेवर नो कि क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो भाई आधी जिंदगी तो निकल गई सूफी भैया, अब आधी जिंदगी में यार क्यों बहनचो, ये वो, ये हुआ, ये हुआ, ये छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया, ये हुआ, वो हुआ, आखिर क्यों ये बकचोदी आप फिर। कलोनी भाई, फिर एक बात बताओ, आप शादी कर लो, 35 के तो हो गए, शादी करो 1 साल के बाद, तो उसके बाद पता नहीं आपके कर्म भी तो आपने कितने अच्छे कर्म किए हुए, तो उसका अरे भी आप पागल, क्यों आज तू उसको नरक में धकेल रहा है भाई, पनोड़ी को क्यों शादी कराए भाई? भाई मैं शादी नहीं करूंगा, मैंने शादी करनी ही नहीं है, ठीक है, मैं शादी जिंदगी भर नहीं करूंगा। इसकी इसकी तो भैया ना मैं बहनचोद लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि भाई मुझे ये सारे चौंचलों में बहनचोद, बच्चे पैदा करो, ये वो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों लोगों को संभालो, ये वो, मुझे भाई वो सारी चीजों में पढ़ना ही नहीं है, समझते हो। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है, मुझे लेनी ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं क्यों सारा करूं। पर देखो भाई शादी के बाद 1 या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, नई नई शादी होती है, नया नया एक्साइटमेंट होता है, 4 5 6 महीने तक सब कुछ, बेबी जानू सोना, ये मुंह चुम्मा चाटी, ये सब 6 महीने तक अच्छा चलता है, ठीक है। 6 महीने के बाद बातें खराब होने लगती है, बातें बिगड़ने लगती है, भाई झगड़ा, ये वो, बहन चोत, ये किया, वो किया, ये हो गया, वो हो गया, भाई क्यों, आखिर क्यों। भाई तुम पराए घर का धन हो तो पराए घर के धन का मैं क्यों सुनूं भाई। अब पराया धन मुझे ये बोलेगा कि बाबू तुम शराब छोड़ दो, तो पराए धन को मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा, पराया धन तुम निकलो यहां से। भाई देखो लड़की को पराया धन क्यों बोलते हैं वो मैं समझाता हूँ। देखो पराया धन लड़कियों को इसलिए बोलते हैं कि लड़की की शादी होती है, उसके बाद वो अपने ससुराल जाती है, मतलब उसके बाद कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद भाई लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आज का तो भाई इतना एग्रेसिव लोगों का नेचर हो चुका है कि डिसीजन यूं चुटकियों में ले लेते हैं, ठीक है। तो लड़की बोलेगी डिवोर्स, राइट, लड़की अपने मायके चली जाएगी, डिवोर्स बिवोर्स का होगा, फिर लड़की दूसरी शादी करेगी या नया बॉयफ्रेंड बनाएगी। तो पराया धन मतलब समझते हो ना, कि पहले जिस घर में गए वहां पे भी पराया था, अब जिस घर में जाएगा भैया वहां पे भी पराया रहेगा, तो ये होता है पराया धन, समझते हो। अभी लड़कियां कभी गाली है कभी ये है। धन ऐसा है भैया, ना तो किसी का हुआ ना तो भैया किसी का होगा, तो पराया धन से भैया दूर रहो। पराया धन सिर्फ वहां पे यूज करो जहां पे तुम्हारी जरूरत हो, वरना ये सारे पराया धन से भाई दूर रहो। ये पराया धन को जिन जिन लोगों ने मुंह लगाया है ना भाई, एक से एक देख लो, या तो वो गुलाम बना दिए गए, ठीक है, या तो फिर
उन लोगों का नामो निशान मिटा दिया गया। मुझे नहीं पराया धन से भाई, मैंने पराया धन से दूर रहना है। अच्छा ये बंदा लिख रहा है भाई, फटा हुआ भाई, ये देख मेरी मेरी मैगी का टावल है, मैगी का, और मैं अपने घर में डॉग रेस्क्यू करके लेके आया था, भैंस के लोड़ों ने फाड़ दिया भाई। 1 किलो सोना देगा ना कोई मुझे तो ये मैं टावल नहीं दूंगा भाई। आज मैं क्यों लेके आऊ पता है टावल, इसको पहन के, अपनी मैगी के टावल को पहन के डुबकी लगाऊंगा, समझे? वाह, हाँ ये लिख रहा है सूफी, कितना गरीब है, टावल फट गया है। मैं यार ये, अरे यार मेरे घर में 50 टावल पड़े, ये मैं वो स्ट्रे डॉग लेके आया था ना, उसने फाड़ दिया मेरी मैगी का टावल आई, मैं जान के लेके। ये लोग ये नहीं सोचते ना हम कर क्या रहे हैं, समझे मेरी बात? ये सोचते हैं कि हमने ये कपड़े डाले, हम ये कर, कम ऑन मैन, मेरा लाइफ होता है, कम ऑन। पनोड़ी भैया चलो आपको गंगा मैया के दर्शन करवाता हूँ, आ जाओ। अरे नहीं नहीं मैं खुद गंगा मैया के पास ही जा रहा हूँ, मैं चावल देने जा रहा हूँ। अरे तो, अरे कौन सा, मैं बाहर जा रहा हूँ, बालकनी में तक जाना है मेरे भैया। 1 step 2 step 3 step that's it। अच्छा चलो भैया दिखाओ भाई, किस किस्मत वाले को मिलता है सूफी भाई, समझे मेरी बात? आपको दर्शन मिल गए, भाई को मिले थे दर्शन, मगर भाई के यू नो भाई यहाँ पे ना भाई, सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर वही आता है जिसको भोलेनाथ बुलाता है भाई, भोलेनाथ की मर्जी, यहाँ कोई नहीं आता भाई। ये 80 घाट पे हूँ मैं अभी, 80 घाट पे हूँ। सही बात है भाई, मैं जिस दिन जाऊंगा ना गंगा, उस दिन मैं घाट पे जाऊंगा और इन लोगों को बोलूंगा कि यार मैं रात को सोया हुआ था, मेरे सपने में भोलेनाथ आए और उन्होंने बोला कि बच्चा जा गंगा चला जा, और भाई मैंने अपनी बैग पैक की और मैं यहाँ सीधा गंगा पे आ गया भाई। मैं यहाँ वहाँ घाट पे जाके, वहाँ पे जो पुजारी पुजारी बैठे रहते हैं ना, उन लोगों को मैं ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि यार महाराज मैं रात को सोया हुआ था और स्वयं भगवान भोलेनाथ मेरे सपनों में प्रकट हुए और बोला कि पिछले जन्म का तेरा कुछ लेना देना रह गया है गंगा घाट पे, जा बच्चे जा और वहां पे जाके ढूंढ ले। तो मैं उसको बोलूंगा कि महाराज कोई चीज मिली थी तुम्हें सालों पहले जो मेरी खोई हुई है, मुझे वापिस करो। भाई तुम कल वो सब जितने भी महाराज बैठते हैं ना, उन लोगों को जाके ये स्टोरी सुनाओ कि भाई मैं स्पेन से आया हूँ, ठीक है, मैंने मेरे सपने में भोलेनाथ आए थे और मेरी कोई खोई हुई चीज के बारे में उन्होंने मुझे जिक्र किया। भाई यहाँ का जो आपका ट्रस्ट, वहां पे तो ट्रस्ट चलती है ना इन सब लोगों की, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा जो ट्रस्टी का अध्यक्ष है, जो तुम्हारा मालिक है, उनको मुझे मिला हो, ठीक है, मेरी कोई खोई हुई चीज मुझे वापिस चाहिए। भाई न्यूज में आ जाओगे तू, भाई न्यूज में आ जाओगे सूफी भैया, न्यूज वाले आ जाएंगे कि भाई एक बंदा स्पेन का जिसके सपनों में आए भोलेनाथ और अपनी सालों पहली कोई खोई हुई चीज ढूंढने के लिए बंदा रातों रात हाथों हाथ निकल पड़ा गंगा की ओर। अरे मजाक नहीं कर रहा सूफी भाई, मेरा बनारसी पता है कैसे है भाई, ये डरते नहीं है भाई, ये भाई बहुत पेल थे बनारसी लोग। शायद तुम्हें इनके बारे में अच्छे से जानकारी मत है सनोड़ी भैया। और सुनो भाई, देखो बकचोदिया मैंने कैसे करी आज मैं आपको बताता हूँ। किसी ने पूछा कुत्ते का नाम, भाई सब पूछ रहे हैं कुत्ते का नाम भाई, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं कुत्ते से, मैं बोलते क्या नाम इसका, मैंने बोला टीचू। चलो ठीक है सूफी भैया, मैं यार लेट हो रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी लेट, चलो बाय, टेक केयर, ठीक है। मेरे को पंकज पूछ रहे हैं, लोग सब लोग पूछ रहे हैं भी आपके डॉगी का क्या नाम है, मैं बोलता हूँ टीचू। टीचू और सुन, ऐसे थोड़ी बोला कि इसका नाम टीचू है, इसका नाम टीचू है,